Hey guys, Assalamualaikum. Hope you all are doing good. यार, welcome back to the Namo Vlog. आखिरकार दो हफ्तों के बाद मुझे याद आ गया कि मेरा कोई YouTube चैनल भी है. खैर यार, उसके लिए I'm so sorry, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था. एक ही कंटेंट दिखा दिखा के, एक ही रोड्स दिखा दिखा के बहुत ज़्यादा मैं खुद पक चुका था. इस वजह से मैं कहा चलो खैर है, फिर ज़रा रेस्ट लेते हैं थोड़ा सा. बाकी सीन कुछ यूँ है कि कल सारी रात मैं सोया नहीं और अभी सुबह नमाज पे गया हूँ और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन कोई 7 बज रहे होंगे. वैसे तो मुझे सो जाना चाहिए था लेकिन मैं अभी जाग रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है नाश्ता करके सोएंगे यार, क्योंकि ज़रा समझा करो ना. फिर मैं खुद आहिस्ता बोल रहा हूँ क्योंकि अम्मी सो रही है तो ज़रा अच्छा नहीं लगता ना कि वो उठ जाए. खैर मैंने वैसे उनको उठाया कि मुझे नाश्ता बना के दे. बाकी यार तुम सब क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार? अगर मैं व्लॉग्स नहीं डालूंगा तो क्या तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे? तो यार कुछ दिन हो चुके हैं मैं बाहर सो रहा हूँ, अंदर एसी में नहीं सो रहा, क्योंकि मैं मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता था जब भी मैं अंदर सोता था एसी में तो रात को मेरा दम घुटने लग जाता था और मेरा बिल्कुल सांस फूल जाता था. क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे पहले अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने सोचा कि बाहर सोते हैं, क्योंकि जब मैं बाहर सोता था तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था. एक दफ़ा ही हुआ आई थिंक, और कल रात को थोड़ा सा हुआ था, अभी भी थोड़ी थोड़ी सी हुई हुई है मुझे सांस की प्रॉब्लम. बाकी एक दो दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने भी मुझे यही मशवरा दिया था कि आप एसी में नहीं सोएं, तो इस वजह से मैं अब रात को एसी में नहीं सोता. वैसे अब मैं ज़्यादा एसी इस्तेमाल भी नहीं करता, लगता है बाहर का गंद खराबा छोड़ना पड़ेगा यार, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके. तो यार जब तक बनता है नाश्ता तब तक के लिए मैं खेलता हूँ पबजी मोबाइल लाइल. तो जिसने रिक्वेस्ट भेजनी है ये मेरी आईडी है, वो रिक्वेस्ट भेज सकता है. वैसे तो मैंने पबजी मोस्टली छोड़ दी है, कभी कभी दिल करता है तो खेल लेता हूँ. सिर्फ पबजी की एक गेम लगाई है और यार अब दिल ही नहीं करता कसम से. पहले बहुत ज़्यादा पबजी खेली है, तकरीबन मैं कोई सीज़न 5 से खेल रहा हूँ. पहले मैं इस फ़ोन पे खेलता था, ये ओप्पो F11 Pro, फिर उसके बाद लिया था आईपैड मिनी 5, फिर उसके बाद ये आईफोन, इस पे खेली है, मिनी 5 पे खेली है, ओप्पो पे खेली है. यार क्या दिन होते थे यार. पबजी एक गेम नहीं है, पबजी एक फीलिंग है यार. क्या फीलिंग्स होती थी यार, अब वो चस ही नहीं रही पता नहीं क्यों, ना वो दोस्त रहे और ना ही वो चस रही है. खैर एनीवेज अब देखते हैं हम लोग जरा. ए रहा नहीं जाता मूवी, अच्छे वाली मूवी. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो. यार मैं देख रहा हूँ गैंग्स ऑफ वासेपुर, क्योंकि ये मूवी मैंने नहीं देखी थी तो एक पार्ट इसका मैंने कंप्लीट कर लिया है. अभी देखते हैं दूसरा पार्ट जब तक नाश्ता भी बन जाएगा. अंडा और रोटी खा के तो हो चुका हूँ फ्री, लेकिन साथ साथ अब खाएंगे चाय और रस. असल चस तो इन चीज़ों की है यार. मैं अभी ये जल्दी से ठूस लूँ पहले. ऐसे डूबा था मैं उसके इश्क में. यार नाश्ता करके हो चुका हूँ फ्री, अभी मैं सोऊंगा और फिर उठूंगा दोपहर को. और आज इंशाल्लाह अकेडमी ज़रूर जाना है, क्योंकि तकरीबन कोई हफ्ता हो गया मैं अकेडमी नहीं गया. मैं आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अम्मी ठहरी हुई है तो वो फिर शुरू हो जाएंगी अकेडमी नहीं गया पूरा हफ्ता. ये होता है तो आम लोगों को कैसी होती है, मैं तो आज ज़रूर चलेंगे. हेलो जी, तो यार मैं उठ चुका हूँ, टाइम तकरीबन 2 बजने वाले हैं, तो जल्दी से खाना खाते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं एकेडमी. वहाँ जाके शुगल मेल लगाएंगे, तकरीबन कोई हफ्ते के बाद जाके मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा एकेडमी के. वैसे तो कुछ दोस्तों से मिलता रहता हूँ बाहर, लेकिन एकेडमी के जो दोस्त हैं कुछ, तो उनसे चल के मिलते हैं. एक और इशू हो रहा है, कल रात से मुझे ना मिडिल फिंगर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों. यार कितने गंदे लोग हो तुम लोग. हेलो गाइस, हेलो. किधर घूमते यार इतने दिन? भाई आप घूमते भाई. मैं तो आप इधर आते थे, मैं कहीं और जाता था. प्राण छिलिया हुआ. क्या हाल है? ठीक हो? समझ रहे हो ये क्या किया तूने? बाल कटवा दिए, दाढ़ी कटवा दी है, पता नहीं क्या यार. चलो भाई आप भी मुझे दूर से मिलो यार, तीनों को मैं दूर से मिलूंगा. त्रीजा कितने तोरा? ए सलाम भाईजान. दूर से. सलाम सर, किधर घूमते सर पूरा हफ्ता सर? बड़ा याद आया सर. तुम लेकर आए हो? किधर देखा आज तुम्हारा बेटा सर? मुबारकबाद है मोबाइल के लिए भाईजान, मुबारकबाद. थैंक यू सो मच. अच्छा वे ये क्या खड़ा है वैसे? ट्विटर है भाई. यार छुट्टी हो चुकी है तकरीबन 15 मिनट पहले और
टेस्ट भी नहीं दिया, ऐसे ही फ्री हो गए। तो यार मैं आ चुका हूँ घर, अभी करते हैं थोड़ा सा आराम और टिकटॉक की वीडियो एक एडिट करनी है, उसको एडिट करके फिर अपलोड करता हूँ और फिर उसके बाद चलेंगे बाहर, बाहर जाके फिर थोड़ा शुगर मेला लगाएंगे। एक मेरा दोस्त जो था वो गया हुआ था पहले कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर, तो वो भी आ चुका है, तो उसके साथ भी शुगर मेला लगाते हैं चल के। A few moments later. चलो चलते हैं बाहर। घर से निकला हूँ, एक दोस्त को फोन किया है तो वो कहता है मैं अपना किसी चीज़ का एडमिशन करवाने गया हुआ हूँ। मैं कहा चलो ठीक है, कहता है 10 मिनट तक कॉल करता हूँ। फिर उसके बाद उसने कॉल की है, मेरा फ़ोन था साइलेंट पे और मैं नहीं उठा सका। फिर तकरीबन कोई अब आधा घंटा हो गया मैं उसको कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहा हूँ लेकिन वो बंदा कॉल नहीं उठा रहा, क्या क्या पता। फिजावल भाई अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो ना तो कुछ चाटे नहीं कमी है। अब चलते हैं किसी और दोस्त के पास। यार वो कॉल नहीं उठा रहा था, फिर मैं इसके पास आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम भैया। हेलो यार, इसको आप लोग जानते होंगे। और काम किरा काम है यार। अब इस दोस्त को भी कोई काम पड़ गया था कस्टम से, पता नहीं क्या हो रहा है आज, मेरा दिमाग शार्ट हो रहा है। मेरा एक दिल कर रहा है कि मैं घर जाके चुप करके सो जाऊं, लेकिन फिर एक और दिल कर रहा है कि यार नहीं यार कंटेंट भी तो निकालना है। अब समझ नहीं आ रही क्या करूं। आखिर यार ये कुछ दोस्त मिल गए, इनके साथ थोड़ा बैठ के गपशप करते हैं, फिर उसके बाद यहां से उठ के कहीं और चलेंगे जब तक वो लोग भी फ्री हो जाते हैं। हम तो भाई क्या हाल है, आप कब आए यार? यार आंखें आपकी ठीक हो गई हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारे हो गए हैं, प्यारे हो गए। A few moments later. चाटे नहीं कमी है, चाटे नहीं, समझ गई गल। वालेकुम सलाम। अजीब बंदा यार तू। मैं यार कसम नाल मैं रुलदा हुआ था तेरी इंतजार में, हुण कॉल आई पता नहीं क्या रुला दे रहा। मैंने रात ने तेरे लगे 10 मिनट आना वे बागम बैठा था उसी यार नाला में रुलदा थोड़ा ना ना ना। ये तो होड़ा जट 5 मिनट दूर तक जाम बस भला। अरे रे गल छोड़, तेरा अपना रुलदा होता तेरे इंतजार के ना मिली, हुण फोन आया भला उठा दुकान नहीं तेरे घर से बाहर जान। सलाम, दो चॉकलेट तो बना दे कब, सिर्फ चॉकलेट ठीक है नहीं है? कैसे गुजरे आपके दिन अपने शहर से बाहर? ज्यादा मजा कहाँ था, यहाँ वहाँ उठी वाला निकल। तो यार वहाँ से हो चुका हूँ फ्री और मुझे दोस्त ने कॉल किया कि हम लोग हैं स्नोकर पे, तो मैं स्नोकर पे आ गया उनके पास। हेलो आए 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 रामी भाई, मलिक साहब अभी तो मिले यार, फिर मिलेंगे। आओ ये नहीं जाती, देख नहीं जाती। बाबे ने कह दिया भजन पहले। क्या कह रहे भाई? कुछ नहीं, गलती से मुंह हिल गया था, बोल तो आ किस चीज का पिज्जा खिला रहा है गाड़ी का? ओ यार आप लोगों को बता रहा हूँ, गाड़ी ली है स्विफ्ट यार, पिज्जा नहीं खिला रहा यार, आप लोग कमेंट्स करो यार कि पिज्जा खिला दे। हेलो ये ए बकवास है, कर तेरे पियो की दिए तैने की दी बात तो सही है। कल आपके भाई की है बर्थडे, तो आपके भाई के साथ बहुत गंदा सीन होने वाला है क्योंकि मेरा दोस्त जिसको मैंने कुछ दिन पहले अंडे मारे थे तो उसने भी अपना बदला पूरा करना है, तो बाकी दोस्तों ने भी इंजॉय करना है, तो आपके भाई को बहुत गंदे अंडे लगने वाले हैं। ये ब्लॉग बस यहीं तक था, आई होप आप सबको पसंद नहीं आया होगा, तो जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। पासे संद दूजे पासे मैग चार ने टिड्डियां दे पैरे थल्ले चरे नहीं।